अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो कम से कम मैं अपने कमरे में वापस तो आ गई। अब बस दिव्यम जी के दिल में जगह बनानी है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ और वो ढोल ढोल की बाहर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी जी ने कहा कि मैं इस कमरे में रह सकती हूँ। मम्मी ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो? हाँ। एक सेकंड, मतलब राधिका को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया? God. कुछ भी कर लीजिए दिव्यम जी, अब आपका तलाक हो चुका है, अब ये कमरा हक से मेरा है। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम तो जगह को ठीक करने के लिए आई थी ना? हमने पापा जी के लिए सारे इंतजाम कर दिए। ये लिस्ट है, हमने इसमें वो सारी एक्सरसाइजेस लिख दी हैं जो हम उन्हें करवाते हैं। और पापा जी की दवाइयों के बारे में रानी जी को पता है। और हमने ना इसमें कुछ खाने की रेसिपीज भी लिख दी है जो उनकी सेहत के लिए अच्छी है और उनके स्वाद के हिसाब से भी ठीक है। आप ये सब कराते रहिएगा और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी पापा जी ठीक हो जाएंगे, पर अभी हमें जाने की इजाजत दीजिए। लेकिन राधिका, ये अचानक तुमने फैसला कैसे कर लिया? बात क्या है बेटा? हमें उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। आप माने या ना माने, लेकिन हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। अभी हम सबकी नाराजगी सहने को तैयार थे, क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। दादी, हम भी पापा जी की दिल से सेवा करना चाहते थे, पर अब हमसे नहीं हो पाएगा। और खास तो ये जानने के बाद कि दिव्यम जी ने रानी जी से शादी कर ली और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हम यहाँ एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे दादी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधिका को मेरे और रानी के रिश्ते का सच पता चल गया? हाँ मुन्ना, तू तो जानता है ना, राधिका को जासूसी करने की कितनी आदत है। उसका ध्यान तेरे पापा की सेवा में कम, रानी में ज्यादा था। हर वक्त रानी से पूछती रहती थी कि वो कौन है, कहां से आई है, इस घर में क्या कर रही है। बेचारी रानी भी क्या करती, भोली भाली रानी के मुंह से आखिरकार सच निकल ही गया। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम दोनों की शादी के बारे में राधिका को पता चल ही जाता। कैसी शादी? हाँ, शांत हो जा बेटा। और सच कहें तो राधिका जिस तरह से रानी पर बरस रही थी ना, हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने राधिका को इस घर से जाने के लिए कह दिया। आखिरकार रानी इस घर की बहू है ना। हाँ, लेकिन पापा की तबीयत, उनके लिए हम सब है ना, हम ख्याल रखेंगे तेरे पापा का। सुजाता, मम्मी जी सबको नीचे बुला रही है, जल्दी चलो। लगता है राधिका की विदाई का वक्त हो गया। बोले ना, हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे, तो आप प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और हमें इतनी हिम्मत दीजिएगा कि हम सबका सामना कर पाए। दादी, अब हम चलते हैं।
अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप प्लीज माफ कर दीजिएगा हमें। राधिका, जाना जरूरी है क्या? उस रात का सच तो हम नहीं जानते। अगर तुम जग्गू के लिए रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। दादी, किस हक से हम इस घर में रुक जाएं? अब तो हमारे पास रुकने की कोई वजह नहीं बची है। जीती रहो। पापा जी, हम जा रहे, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी खाने पीने में या बाहर घूमने जाने में बिल्कुल भी नानुकुल मत कीजिएगा। चलते हैं। आपसे तो क्या ही शिकायत करें हम, अब तो हमारा अपना भी हक नहीं है। आप रानी जी के साथ खुश रहिएगा और अगर हो सके तो जिस गलती के लिए आप हमें जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए माफ कर दीजिएगा। प्लीज मत जाइए, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। आपके रहने से पापा जी की तबीयत में कितना सुधार आया है। प्लीज रुक जाइए। ये रानी क्या कर रही है? कहीं इस रानी की बातों में आग कोलमू की रुक ना जाए। वैसे मैं भी क्या बोलती हूँ, आपको भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, जैसे दिव्यम जी बढ़ चुकी है। हम चलते हैं। राधिका को रोक लो, उसको चाहते देख मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों मन उसको रोकना चाहता है? Yes!
मर जाओगे। राधिका रुक जाओ बेटा, जिस वक्त तुम इस घर से गई थी तब मैं बेहोश था, पर मैं होश में हूं, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। पापा क्या क्या आपने फिर से कहिए ना पापा प्लीज बोलो ना आप बोल लेंगे बोलिए टीवी में ब्रिज गोलू देखा देखा तुम लोगों ने सुना जग्गू ने बोला कुछ सुजाता तुमने भी सुना ना देखा ना हाँ चाचा ससुर जी इतने महीनों से चुप थे एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने और आज इतने बड़े शब्द बोल दिए जग्गू ने पूरी इच्छा शक्ति से राधिका का नाम दिया और राधिका को जाने से रोका भी राधिका सुना तुमने अब तो रुक जा बेटा देख इस घर को चक्कू को तेरी बहुत जरूरत है हमारे यहाँ रुकने से कई दिन में मुझे कोई दिक्कत ना हो हमें माफ कर दीजिए पर हम नहीं रुक पाएंगे आप डॉक्टर को बुलाइए और उन्हें बताइए कि पापा जी ने बोलने की और उठने की कोशिश की अभी हमें जाने दीजिए राधिका रुक जाओ प्लीज मुन्ना इसकी क्या जरूरत है क्यों इसे रोक रहा है बेटा अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दे हमें इसकी जरूरत नहीं है हमें भले इसकी जरूरत ना हो माँ पापा को इसकी जरूरत है दिव्य हम सही कह रहा है अपनी झोली फैलाती हूँ तुम्हारे सामने राधिका मेरी बिटिया की जिंदगी दे दो मुझे
एक माँ के बेटे के लिए रुक जाओ तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और करती हूँ राधिका। मैं जानती हूँ यहाँ क्यों तुम्हारे साथ जो भी हो रहा था, जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन लेकिन ये बुढ़ी माँ के बारे में सोचो, ये बुढ़िया इस उम्र में अपने अपाहिज बेटे को, लाचार बेटे को देख के उसके मन पे क्या जीतेगी, ये मैं समझ सकती हूँ बेटा। बेटा अगर तू दिल से सच में मुझे दादी मानती है और जग्गू का अपना पिता, तो तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मेरी बच्ची। अच्छा ठीक है, जब तक पापा जी सही नहीं हो जाते हम यहीं पर रहेंगे। जग्गू आप तो खुश है ना? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दो से नए नाम लाइक के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका की बच्ची जाते जाते फिर मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर रुक गई। क्या कमरे में तोड़फोड़ मचा रखी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो वास गलती से हाथ से गिर के टूट गया। रानी बेटा कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। हाथ में तो चोट नहीं लगेगी मम्मी जी, लेकिन राधिका के यहाँ रुकने से मेरे जो दिल पे चोट लगी है उसका क्या? आज दिव्यम जी ने राधिका को खुद रोका इस घर में। ऐसा ना हो कि उसके लिए दिव्यम जी मुझे इस घर से निकाल दे। आज जो हुआ उसके बाद तो मेरे दिल में डर सा बैठ गया। रानी चलो चलो उठो, कह रहे थे ना हम संभल कर करो वरना चोट लग जाएगी, तुम तो सुनती नहीं हो। रानी बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हमारा मुन्ना तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। से मैं भी बेकार में ही परेशान हो रही हूँ, राधिका ने डिवोर्स पेपर्स तो साइन कर ही दिए है ना मम्मी जी? राधिका ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए। दरअसल राधिका डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बदले इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी। रानी बेटा तुम बिल्कुल भी मत परेशान हो, हम है ना हम कैसे भी करके उस राधिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा कर रहेंगे। हाँ तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं, तुम बैठो आराम से। ये मम्मी जी उस राधिका से एक कागज पर साइन नहीं करवा पा रही, उसे घर से क्या खाक निकलवाएंगी? अब मुझे कुछ करना होगा। राधिका के इस घर में रहने की वजह है पापा जी, अगर मैं उस वजह को ही जड़ से मिटा दूं तो ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। जिस गलती के लिए आप मेरे से तुम्हारा ही शिकायत कर रहे हैं उसके लिए माफ कर दीजिए। आप रानी जी के साथ खुश रहिएगा।
हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना 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 कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। माना हमने कि आपको हम पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्या आपका विश्वास हमारे रिश्ते से भी उठ गया था? जो आप इतनी जल्दी आगे बढ़े, क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं रानी के साथ आगे बढ़ गया हूँ? क्यों ना एक बार सब कुछ भुला हम एक दूसरे से बातें कर कंधे पर रोकर अपना दिल हल्का कर लें।